यहाँ उत्सव का माहौल है। मैं अयोध्या धाम जंक्शन के पास बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ और ये वो नई बिल्डिंग है अयोध्या धाम जंक्शन की, जिसका लोकार्पण आज पीएम मोदी यहाँ पर करेंगे और उनके स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। अयोध्या सजाया संवारा जा चुका है और स्वागत के लिए अलग अलग राज्यों से कलाकार आए हैं और जरा ये परफॉर्मेंस, ये स्टेज बनाया गया है इस तरह के परफॉर्मेंस, अलग अलग राज्यों से आए कलाकार लोक नृत्य पेश करेंगे और जिसकी झलक हम भारत एक्सप्रेस के जरिए लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस तरह के लोक नृत्य पेश किए जाएंगे और अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप हमारे साथ ये हमारे साथ भी मौजूद है और साथ ही स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं। बाबू कहाँ से आ रहे हो? गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। अच्छा, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए? हाँ, एक निबंध लिखे हैं, बनाया गया है या फिर वंदे भारत आप लोगों ने बनाया? आप लोगों ने? यस सर। ये स्कूली बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन पर और पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और साथ ही हमारे साथ एक ग्रुप है, कहाँ से एक ग्रुप आया सर? ये सर बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल जनपद बांदा से आया है, जो बुंदेलखंड का बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दीवारी नृत्य। मोदी के स्वागत में क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं? दिखाइए दर्शकों को। मोदी जी के स्वागत में मैं एक गाना गा। हाँ। तो चित्रकूट मारम रहे लाला यो रही मनी अवधा नरे सारे और जा पर विपदा प्रधानमंत्री के आगमन पर हम लोग आज बुंदेलखंड का दीवारी नृत्य लेकर के आए हैं और यहाँ पर लाखों की भीड़ है, जहाँ पर हम लोग रेलवे जंक्शन के सामने ही अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पूरे देश में एक इतना बड़ा मैसेज और संदेश जा रहा है जिसका हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या बताएं कि किस तरह से आज देश में एक इतनी बड़ी सांस्कृतिक क्रांति आई है। आप देख लीजिए बुंदेलखंड का धुआंधार दीवारी लोग नृत्य, बहुत सुंदर। ये इस नृत्य के बारे में बताइए। ये बुंदेलखंड के जब भगवान राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे, इसके बाद जब लंका गए विजय के उपरांत, जब भगवान राम अवध आए, उस अवध में जो दीपावली हमारे यहाँ दीप जलाए जाते हैं, उस दीपावली के अवसर पर दीवारी नृत्य होता है। हमारे यहाँ मौन चराने की परंपरा है जो आज भी बिल्कुल प्रसिद्ध है और उसी पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी जब जब भी आते हैं तब तब ज्यादातर हमारे बुंदेलखंड का दीवारी नृत्य हमेशा ही बुलावा आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि ये दल पूरी विरासत और धरोहर को अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। आप देख लीजिए किस तरह से पूरे भगवा वेश में दीवारी नृत्य दिखा रहे हैं, कितना उत्साह, इतनी कड़ाके की ठंड में भी कलाकार अपनी देखिए। बहुत शानदार दर्शक ये देखे दृश्य, बहुत शानदार और बहुत बैलेंस का ये कमाल है और इतनी छोटी उम्र में बहुत बैलेंस बनाना, ये इतनी बढ़िया जो है मैं क्या कहूँ कि इनका बैलेंस और टैलेंट पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी प्रस्तुतियों से ये लोग आनंदित करते हैं। मनोहारी नृत्य है, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी पूरा देश आज निगाहें टिकी है अयोध्या पर, क्योंकि आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए हम लोग भी कलाकार इतनी तैयारी के साथ जोश खरोश के साथ कर रहे हैं कि उस दिन जन जन के राम पूरे विश्व पटल पर उतर आए और सभी अयोध्या नगरी में आकर के भगवान राम का अभिषेक करें, यही कामना के साथ आपके साथ बुंदेलखंड के दीवारी कलाकार रमेश पाल बांदा। और शानदार तस्वीर, बहुत अभी और देखिए आगे बहुत ही सुंदर झांकियां बनाएंगे और इनका कितना ये निरंतर ये कलाकार अपनी कला को प्रतिदिन निखारते हैं और सीखते हैं। कलाकार स्वयं तालियों का भूखा होता है और किसी चीज का नहीं, क्योंकि कलाकारों का सम्मान प्रोत्साहन मिलता है जब से हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार
ट्रेनिंग दी है जी, इनको सर निरंतर ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये परमानेंट लगातार अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। देखिए बहुत शानदार तस्वीर और बहुत अलग अलग देखिए कर्तव्य जो है वो पेश किए जा रहे हैं पीएम मोदी के स्वागत में, और पीएम मोदी के स्वागत में इस तरह के अलग अलग ग्रुप जो है वो यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित शाह, भारत एक्सप्रेस अयोध्या।